दिल दिया गल्ला दा सफरनामा चल रहा है लव गुरु दे नाल। मेरे नाल ने नेक्स्ट कॉलर। हेलो सर, एक्चुअली मेरी लाइफ में कोई है बट ड्यू टू सम केसेस वो बात करना छोड़ दिया, बट रीजन मैंने शेयर किया उन्होंने मेरे साथ। और बात करनी क्यों छोड़ दी, क्या ऐसे हालात हैं? आराम से बात बताइए, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और रिलैक्स करके बताइए। बिल्कुल ही चेंज हो गया, जैसे पहले था बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया। क्या कारण है, क्या उनकी कोई मजबूरी है या आपकी मजबूरी है, टाइम नहीं मिलता, कोई जॉब है या कोई फैमिली की मजबूरियां हैं, क्या लगता है आपको? उनकी मजबूरी है बट वो मुझे बता नहीं रहे, जब भी पूछते हैं तो बड़े मतलब रूडली वे में कुछ भी बोल देते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर अच्छा, तो अब क्या एटीट्यूड है उनका, आपको अवॉइड करते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड साउंड करते हैं? तो होता ना इंसान घुट काफी अगर मैं उनको ज्यादा फोन करूं तो बात नहीं करते, नहीं तो जब उनके पास टाइम होता है तब भी बात कर लेते हैं, पर मुझे मैं उनको रीजन पूछ रही, रीजन बता ही नहीं रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग मिलते कितनी बार हैं? नहीं मिले अभी टाइम हो गया, महीना डेढ़ महीना हो गया मिले हुए। अच्छा, आप लोग सेम शहर में? हाँ जी। अच्छा, तो देखिए उनसे एक मीटिंग सेटअप करके फेस टू फेस मिल के बात कीजिए और बड़े प्यार से उनसे पूछिए कि ये एटीट्यूड में बदलाव क्यों है। अगर तो किसी प्रॉब्लम के कारण है तो उनसे कहिए कि अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आपको ये यकीन होना चाहिए मुझ पे, इतना हक होना चाहिए मुझ पे कि आप अपनी दिल की परेशानी मुझसे शेयर करो। और आप ये उनको क्लियरली बोलो कि आपका ये रूखापन, ये कम बात करना मुझे परेशान कर रहा है। देखिए अल्टीमेटली रिश्ते धीरे धीरे ऐसे ही घुट के मर जाते हैं अगर हम उनको सही टाइम पे दोबारा से ज़िंदा ना करें। और ज़िंदा करने का तरीका यही होता है कि खुल के एक दूसरे से बात की जाए। पता नहीं वो अजीब से बिहेव करते हैं, तो मुझे बुला दो ऐसे ऐसे बोलते हैं बात करो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बोल भी नहीं पा रही। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर है, कोई घर से परेशानी है, किसी और का प्रेशर है, कहीं उन्हें फोर्स तो नहीं किया जा रहा किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने में, कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं है उनके मन में, ये तो मिलके पता लगेगा ना। सो एक बार इंसिस्ट करो कि नहीं हमें मिलना है, बैठना है और आपस में बात करनी है, बस किसी भी बहाने से बुलाओ उनको, बुलाओ और फिर बैठ के बात करो और मुझे बताना उस डिस्कशन में क्या हुआ। ठीक है, मैं वेट करूँगा। ओके, थैंक यू। जे तुहाडे दिल दी कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई इशू है तो मैं कॉल करके दस सकते हो 3919911 ते 3919911 ते। जे पटियाला तो बाहरों कॉल कर रहे हो तो 01750 0175 कोड जरूर लगाओ।